स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स पे। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का झारखंड पीजीटी टीजीटी कॉमर्स अकाउंटिंग। तो चलिए पीजीटी टीजीटी के लिए जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेकर के आया हूँ जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कल मैंने बताया था आपको कंपनी का अकाउंट्स, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। बस वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ना होकर के यहाँ मैं क्वेश्चन आंसर कुछ बताऊंगा बेसिक से, तो वही क्वेश्चन आपको सीखना है। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जल्दी से सेशन को शेयर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर एक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है। व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड, है ना। यहाँ पे आपको एज पर शेड्यूल थर्ड के अनुसार आपको बताना है, क्या बताना है, व्हाट आर द मेजर ऑफ हेडिंग, हेडिंग आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे किसका, बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साइड में जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में जो हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में, उसी का इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो बस यही आपको शो करना है, यही दिखाना है इसमें क्या क्या रहता है। तो देखिए ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये रहा आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मा। ओके, बैलेंस शीट का परफॉर्मा ये है आपका, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मा। ऐसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो कि फर्स्ट में है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। बस ये करेंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, क्लियर है। तो ये बैलेंस शीट, अब यही तो आपसे पूछा था। और यहाँ पे आए हैं कुमारी अन्नामिका, चलिए स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। तो ये रहा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, समझ में आ रही है। और लोग जो आए हैं बस सेशन को शेयर कर देंगे और कमेंट करते रहेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने अभी आपको बताया, ये बताया ना शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, ये एस एन इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साइड में लिखते हैं। और आए हैं विष्णु कुमार, चलिए गुड इवनिंग विष्णु जी, कैसे हैं आप, और सभी स्टूडेंट को शेयर करिए। बस आप आए, देखिए स्टूडेंट लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग आ जाएंगे, क्योंकि जब विष्णु जी का यहाँ पर आवागमन हो जाता है ना तो बहुत स्टूडेंट लोग आ जाते हैं। और देखिए विष्णु का नाम मैंने लिया और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ने स्टार्ट हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये कुछ भी नहीं, इससे भी आगे बढ़ने वाला है क्योंकि विष्णु जी आ चुके हैं। ओके, विष्णु जी आ चुके हैं तो स्टूडेंट का यहाँ पे कमी नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखे तो ये रहा आपका, है ना, ये रहा आपका चार ऑप्शन, ये चार जो मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। ओके, तो ये जो है ना यही चारों आपको लिखना है, क्योंकि पूछा था व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड, है ना। तो ये बैलेंस शीट आपका रहा, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और आप लोग कमेंट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बी साउंड, यहाँ पे देखिए इसके अंदर में क्या आइटम शो किया जाता है, ठीक है। ये है क्या क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है, एक मिनट देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल ये रहा फर्स्ट में शेयर कैपिटल और सेकंड में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के अंडर द फॉलोइंग मेजर हेड्स द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन एज गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल के अंदर में क्या लिखा जाता है और मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स इसके अंदर में क्या लिखा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका ही जवाब हम देंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, तो एक बार जोरदार लाइक ठोकेंगे और जोरदार से ये शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आइटम रहा और हेड्स है ना, ये आइटम क्या है आपका, तो शेयर कैपिटल कौन हेड्स में जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, है ना। मनी रिसीव्स अगेंस्ट वारंट ये किस में जाएगा, ये भी जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स, क्लियर है। यानी कि दोनों का हेड्स जो है आपका शेयर होल्डर फंड्स से ही आएगा, क्लियर है ना। बस देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आ रहे हैं,
तो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वह वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपीटेड चल रहा है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग आर द फाइव, यहाँ पर पूछा लिस्ट यानी फाइव आइटम दैट आर शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व और सरप्लस जो होता है ना, उसके नीचे उसके अंडर में क्या क्या आइटम रहता है उसमें आपको क्या लिखना है, तो फाइव, पाँच ही लिखना है, फाइव आइटम आपको बताना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और रिवोल्यूशन रिजर्व। क्लियर है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता दूं फिर से। यहाँ पे मैंने आपको पांच जो आता है ना, जो पांच आइटम आ रहा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में, वो मैं यहाँ पे करवाया, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जो आएगा है ना, सो आपका रहेगा लिस्ट एनी आइटम दैट आर शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। चार ऑप्शन देगा, उसमें से चारों में ऑप्शन में से एक तो यहाँ से रहेगा ही आंसर जो सही है, उसके बाद तीन अलग अलग रहेगा। तो आपको देखिए यही चारों पांच ऑप्शन जो है, पांचों में कोई भी ऑप्शन एक सही राइट आंसर के लिए रहेगा, तो आपको वही आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा विस्तृत जानकारी मैंने दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंडर विच सब हेड विल द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड आर शोन। यहाँ पे देखिए इनमें से सब हेड है ना बताना है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग है ना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग किसका सब हेड है। उसके बाद देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज ये किसका है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये किसका है ना। तो यहाँ पे देखिए अंडर द सब हेड नन करेंट लाइबिलिटीज फॉर द ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी क्लासिफाइड आर शोन एज गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे जो आइटम है, ठीक है, यहाँ पे जो आइटम आपका है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये किसके अंदर आएगा, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर ये तीनों आता है, ठीक है। इसका जो सब हेड है, यानी कि ये तीनों का जो सब हेड है वो कौन है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर है ना। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इसमें आपको क्या बताना है, नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना। यहाँ पे देखिए आपको वो आइटम का नाम बताना है जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग के अंडर में आता है ना। ये आपका जो टॉपिक अभी चल रहा है वो किसके किसके लिए है वो जान लेंगे, है ना। जो अभी झारखंड में JSSC का आया है ना, प्लस टू लेवल का जो कॉमर्स का है ना, उसके लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है ना, ऑडिट का भी, ऑडिटर का भी आया है उसमें, है ना, और टेट है ना, टेट जो है आपका TGT है ना, TGT झारखंड टेट में भी, और TGT और PGT ये सभी के लिए है, ठीक है, ये सभी के लिए है। ऊपर और एक टॉपिक है आपका UGC है ना, UGC नेट है ना, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अकाउंट से क्वेश्चन आता है ना, तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि सभी एग्जाम में ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट बने, है ना। क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर, कोई भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ तो हर एक चैप्टर में देखेंगे आप लोग सिलेबस में मिला के, तो सभी सिलेबस में है, और मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि सभी को यहाँ पर काम आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो फायदा सभी को होना चाहिए। क्लियर है ना। नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंडर में कौन से आइटम को दिखाया जाता है, शो किया जाता है, ये पूछा है। आपको पता होगा, आपने बैलेंस शीट को परफॉर्मा देखा होगा, आपने क्लास क्या बोलते हैं, क्लास 12 में भी पढ़ा है ना, क्लास 12 में भी पढ़ा है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर रखा है, आप BCOM भी कर रखा है, तो आपको ये तो ये जानकारी तो होगी, है ना, ये सब के बारे में। तो चलिए यार, जो नहीं भी पढ़े हैं, अभी स्टार्टिंग में गए हैं कोई 12th में, उसके लिए भी ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपका, द फॉलोइंग आइटम आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो लंबे समय के लिए होता है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना। तो सबसे पहला आता है डिवेंचर और बॉन्ड्स, है ना, डिवेंचर बॉन्ड्स हो गया, लोन्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, डिपॉजिट्स लंबे समय के लिए करते हैं ना,
एफडी, अदर लोन्स एंड एडवांसेज नेचर टू बी क्लास स्पेसिफाइड, और कुछ लोन है, एडवांस है, समझ में आ रही है ना। तो ये सारे आइटम जो हैं आपका, चार आइटम मैंने बताया, ये क्या है, तो ये आपका है अंडर सोन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आर फर्दर कैटेगराइज एच असिक्योर्ड बोरोविंग। इसे क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड बोरोविंग के अंदर भी इसको कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इन केस ऑफ सिक्योर्ड बोरोविंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी आर टू बी गिवेन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात को। तो एक बार जोरदार से आप सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन भी मिला है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, अ कंपनी हैज अ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इज सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इट अर्नड अ प्रॉफिट 75,000, इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर आरएस 15,000 टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड ऑल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड ऑफ आरएस 25,000, हाउ विल बी अप्रोप्रिएशंस शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अप्रोप्रिएशन कैसे शो करेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट टू नॉलेज, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका, इसके बारे में भी हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट टू नॉलेज वाला, रिजर्व एंड सरप्लस आपका दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया मैंने लिखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन अभी आप देखा होगा, आप क्वेश्चन में मिला है ये। एड में क्या करते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट पीएल, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कितना है, 75,000, इसको एड कर देंगे तो 1,75,000 आएगा। ठीक है, 1,75,000 आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में लॉस यहाँ पर लेस करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को, DRR को, जो कि 15,000 दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड भी दिया हुआ है 25,000, है ना। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,35,000। ठीक है, क्योंकि 75,000, 1,75,000 में देखिए 15,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60,000, फिर 25,000 घटाएंगे तो 1,35,000, 1,35,000 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो दिया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR, है ना, ये जो दिया हुआ है 15,000 रुपया, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देने के बाद यहाँ पर आएगा कितना, 1,50,000। क्लियर है, तो 1,50,000 आप यहाँ लिखेंगे, ये रहा आपका बैलेंस शीट, है ना, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर नोट नंबर 1 देंगे, कितना, 1,50,000। और करंट लायबिलिटीज में क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि 25,000। बस ये बैलेंस शीट आपका क्लियर है, तो यही आपको बनाना था जो कि मैंने बना दिया। समझ में आई है बात आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा था, हाउ विल बी अप्रोप्रिएशन फ्रॉम अप्रोप्रिएशन शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह शो करेंगे ना। समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, स्टेट गिविंग रीजन वेदर ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3rd फॉर द ऑफ द कंपनीज एक्ट 9 2013 इन द फॉलोइंग केसेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए केस 1 है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मंथ्स 10th, केस 2 10 months, केस 3 10 months, केस 4 14 months और केस 5 15 months। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन दे रखा है यहाँ पर कितना, 11 मंथ, यहाँ पे देखिए 11 मंथ, 12 मंथ, 13 मंथ, 13 मंथ, 16 मंथ। ठीक है, ये दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसका, देखिए द ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासीफाइड एज करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग किस में क्लासीफाई कर रहे हैं, तो करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3rd इन द फॉलोइंग केस आर एक्सप्लेन्ड विथ रीजन। कौन कौन से केस है, तो सबसे पहले देखिए करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में क्या, दे आर रियलाइजेबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। केस वन में क्या है, केस वन में क्या होगा, करेंट एसेट्स होगा। अब करेंट एसेट्स क्यों है, देखिए यहाँ पे करेंट एसेट्स इसलिए है क्योंकि ये देखिए 12 मंथ से पहले हो रहा है ना, यहाँ पर 10 मंथ है, ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 मंथ और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 11 मंथ, है ना। तो यहाँ पे देखिए द
दे आर एलिजिबल विथ इन द पीरियड ऑफ, यहाँ रिलाइज कितना हो रहा है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है उसके 12 मंथ तक होगा वो करंट एसेट्स होगा, क्लियर है ना, क्योंकि एक साल के अंदर जो होता है वो करंट एसेट। सेकेंड में देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है 10 महीना यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और 12 महीना जो है आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा करंट एसेट्स, क्लियर है। दे आर एलिजिबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए थर्ड कंडीशन में यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना 10th और यहाँ पर रह रहा है 13, है ना, 13 मंथ, तो ये आपका करंट एसेट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये करंट नहीं नॉन करंट है, समझ में आई बात, क्योंकि 13 मंथ चला गया। यहाँ पे लिखेंगे इसको नॉन करंट एसेट्स, केस थर्ड में क्या नॉन करंट एसेट्स, क्यों, दे आर रिलाइजेबल नॉट विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि ये 12 मंथ्स के अंदर इसका रिलाइजेबल नहीं हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्लियर है ना, इसीलिए वो नॉन करंट एसेट्स हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर में क्या बोला है, फोर में यहाँ पर देखिए ये 14th है, ये 13th है, ठीक है, तो ये 14th मंथ है, ये 13 मंथ है, क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे तो ये क्या हो गया आपका, मतलब कि एक साल के से कम ही हो रहा है ना, तो ये करंट एसेट्स हो जाएगा। और ये देखिए 15th और यहाँ पर 16th है, तो ये भी करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12 मंथ के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए फोर में आया दे आर रिलाइजेबल विथ इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका करंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दे आर ऑल्सो रिलाइजेबल नॉट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस बैलेंस शीट, ऑल्सो विथ नॉट विथ इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, क्लियर है। तो ये था आपका, समझ में आया बात। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, अंडर विच हेड एंड ना हाउ आर द फॉलोइंग आइटम, यहाँ पे आपको बताना है इस किस हेड में आता है फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर शेड्यूल थर्ड, क्लियर है। कॉल सीनियर ईयर शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट अनपेड डिविडेंड डिविडेंड नॉट पेड ऑन कॉम्युलेटिव प्रिफ्रेंस शेयर, ठीक है, डिविडेंड पेड नहीं हुआ है कॉम्युलेटिव प्रिफ्रेंस शेयर में। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखेंगे आप किस हेड में आएगा वो आपको लिखना है, एक तरफ आप लिख लेंगे हेड, एक तरफ लिख लेंगे आप आइटम्स। तो आइटम में सबसे फर्स्ट में क्या बोला, देखिए कॉल सीन एरर, तो किस हेड में आएगा, देखिए यहाँ पे हेड्स में इट इज सोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल सोन एज सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ओके। चलिए अंजलि कुमारी आए हैं, जय श्री राम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये किस में आएगा, तो इट इज़ सोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम्स बिटवीन इक्विटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ओके, ये इक्विटी और नॉन करेंट लाइबिलिटीज के लाइन में आप इसके हेड में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनपेड डिविडेंड, इट इज़ सोन एज अदर करेंट लाइबिलिटीज अंडर करेंट लाइबिलिटीज, ये करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में आएगा। और नेक्स्ट है डिविडेंड नॉट पेड ऑन कॉम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स, तो ये इट इज़ सोन ऑन कंटिजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये कहाँ पे शो किया जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटीज में, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आइटम्स और हेड के बारे में बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप बहुत सारे, ये देखिए एक टॉपिक ये जो अभी चल रहा है ये क्वेश्चन आपका, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट आर द फॉलोइंग आइटम क्लासिफाइड आर सोन, है ना। ये क्वेश्चन से आप देखिए बस इतना ही क्वेश्चन नहीं सीखेंगे, इसमें से आप यदि अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी देख घुमा के आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आज लेकर के आया हूँ कुछ खास ही, है ना। लक्ष्मी कुमारी आए हैं, राधे राधे, चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आइटम आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये जो आइटम आपको दिख रहा है ना, क्या क्या है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट्स है, संडी क्रेडिटर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर, ये सारे आइटम जो हैं, आइटम है ये सब, ठीक है। ये इसका हेड और इसका सब हेड मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, ताकि इतना ही
जैसे जैसे सब हेड और हेड पूछे है ना, तो इतना ही चीज़ का पूछेगा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे आराम से, है ना। तो ये रहा आपका, यहाँ पर देखिए, अंडर द फॉलोइंग मेन हेड एंड सब हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स क्लासिफाइड और शोन एज गिवन बिलो। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आइटम्स हेड और सब हेड दोनों दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड्स को हम लोग किस हेड में रखते हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में रखते हैं, और सब हेड इसका क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्लियर है ना। बॉन्ड्स को हम लोग एक बार आप लोग मेरे साथ यदि रिविजन करेंगे, मेरे साथ यदि बोलेंगे भी, तो आपको याद हो जाएगा। एक बार आप लोग मन ही मन बोलेंगे, बॉन्ड्स को कहाँ रखते हैं, इसका हेड क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है ना। बॉन्ड्स को कहाँ, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और सब हेड को, इसका सब हेड क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है, याद हो गया होगा आपको। बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स का जो हेड है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और सब हेड्स क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है। नेक्स्ट डिबेंचर, डिबेंचर का जो हेड्स है नॉन करेंट लायबिलिटीज है। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज इसका हेड है, और सब हेड क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है ना। नॉन करेंट लायबिलिटीज आ रहा है ना, तो उसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही होगा। एक चीज़ और याद रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आए हैं महेंद्र चौहान, जय हिंद सर एंड गुड इवनिंग सर जी। चलिए देखिए, विष्णु जी का जब आवागमन हो जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए हमारा चैनल के जो खास हैं यहाँ पे, चलिए सभी का एक बार जोरदार स्वागत है, और साथ ही में विष्णु जी का भी। चलिए विष्णु जी, कैसे हैं, और आप अपना पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं, तो मैंने आपको बताया बॉन्ड्स का जो हेड्स है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जब नॉन करेंट लायबिलिटीज हेड्स होगा ना, तो इसका सब हेड्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये याद आपको रखना है, जब नॉन करेंट लायबिलिटीज हेड्स रहता है, तो सब हेड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है। डिवेंचर देखिए, ये भी आपका लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज है, तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। डिपॉजिट, ये भी नॉन करेंट लायबिलिटीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। हेड्स और सब हेड्स, क्लियर है। कैपिटल रिडेम्पशन रिसीव, ये क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स में इसका हेड्स के अंदर आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, लेकिन सब हेड में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है। उसके बाद फॉरफ्यूचर शेयर्स अकाउंट्स, ये शेयर होल्डर फंड्स के हेडिंग में आता है, लेकिन इसका सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल। क्लियर है ना। शेयर फॉरफ्यूचर्स, फॉरफ्यूचर शेयर अकाउंट्स किसके हेड में आएगा, तो शेयर होल्डर फंड्स के हेड में, और सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल है। संडी क्रेडिटर देखिए, करंट लायबिलिटीज, और ये क्या, ट्रेड पेबल में आएगा, है ना। चलिए विष्णु कुमार, गुड इवनिंग, और सेशन को शेयर करेंगे ताकि और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए। यहाँ देखिए, संडी क्रेडिटर जो है करंट लायबिलिटीज है, तो ये ट्रेड पेबल होगा, और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर, ये आएगा आपका करंट लायबिलिटीज में, और ये अदर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर में आएगा, ठीक है। समझ में आई है बात आप लोगों को, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए। और मैं आपको बता दूँ, है ना, इस मतलब कि जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से विस्तृत जानकारी, उसके बाद फिर एमसीक्यू में लेकर के आऊँगा, ताकि इस चैप्टर से आपका कोई भी डाउट ना रहे, है ना। चैप्टर में यदि डाउट रहा, तो गुरुजी कॉमर्स किस काम का है, इसलिए गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जितना भी डाउट है वो खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये एक और आया है, स्टेट एनी टू आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मेजर हेड्स अंडर विच लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर शोन रिजर्व एंड सरप्लस आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग और अदर करेंट लायबिलिटीज, इसमें आपको बताना है, है ना। इसके अंदर आपको दो दो आइटम को लेकर के बताना है, तो मैंने यहाँ पे आपको चार चार पाँच पाँच आइटम बताया है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दो आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दो आइटम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दो आइटम, और अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दो आइटम, दो दो आइटम आपको बताना है। देखिए मोस्ट एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप यदि पढ़ लेते हैं ना, तो आपका कोई भी एग्जाम होगा, अकाउंट सेक्शन से आएगा क्वेश्चन, आप आराम से बना देंगे। देखिए ये बैलेंस शीट से ही क्वेश्चन मैं अधिकतर ले आऊँ, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसी तरह से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के दो, उसके अंडर में क्या क्या आता है, कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो पूछा था रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, इसमें पूछा था आपका इसका हेड किस हेड में आएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में जो आइटम आएगा वो आएगा कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और अदर करंट, तीनों को और आंसर देना है, इसका दो दो आइटम बताना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए यहाँ पे
एक है आपका डिवेंचर और एक है आपका पब्लिक डिपॉजिट, है ना। ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग का हेडिंग के अंदर ये दो आइटम आपको बताना था, तो डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट, है ना। चलिए यहाँ पे गुड इवनिंग, है ना, न्यू हिंदी बॉलीवुड मूवी। चलिए यहाँ पे गुड इवनिंग आपको भी, ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमको बताना है शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग के अंदर दो आइटम बताना है, ये तो आपका हेडिंग है ना, इसके अंदर दो आइटम क्या क्या होगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन रिपेबल ऑन डिमांड्स, क्लियर है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन रिपेमेंट्स रिपेबल ऑफ डिमांड्स, क्लियर है। तो देखिए उम्मीद है कि आज का सेशन जो होगा बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक यूट्यूब में पहली बार आया है। बस इसे आप लोग देखेंगे और ये नहीं कि क्लास लाइव ख़त्म हो जाएगी तो पर भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने इसमें पूरा एक एक करके एक्सप्लेन के साथ में बताया हूँ। देखिए अदर करंट लायबिलिटीज में कौन से आएंगे, दो आइटम को बताना है, तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स, है ना, और सेकंड में अनपेड डिविडेंड्स, ये आएगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज में, क्लियर है। तो आपसे चार क्वेश्चन का आंसर पूछा था, आपने चार बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन है आज, देखिए हेडिंग और सब हेडिंग का क्वेश्चन का डाउट ही क्लियर आपका, है ना। आज का दिन में, आज का क्लास में आपका हेडिंग और सब हेडिंग और आइटम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आज के बाद से आपका डाउट ही ना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्लासिफाई करना आपको ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कंपनी एक्ट जो आया था 2013 के अनुसार आपको इसका आइटम का हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। फर्स्ट में वर्क इन प्रोग्रेस, इसका हेडिंग क्या होगा और इसका सब हेडिंग क्या होगा। प्रोविजन फॉर वारंटी, इसका हेडिंग क्या होगा, इसका सब हेडिंग क्या होगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, इसका हेडिंग क्या होगा और इसका सब हेडिंग क्या होगा। कैपिटल एडवांस, इसका हेडिंग और इसका सब हेडिंग क्या होगा। बस यही क्वेश्चन आपसे चार क्वेश्चन पूछा है, चारों क्वेश्चन का हेडिंग और सब हेडिंग आपको देना है। तो आ जाइए आप हमारे साथ और इस क्वेश्चन का आंसर करिए मिलके, क्योंकि यूनियन इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ठीक है, एकता में बल है। इसलिए सभी लोग मिल जाएं, जुड़ जाएं हमारे गुरुजी कॉमर्स को अंडर द फॉलोइंग मेन हेड एंड सब हेड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। और ये रहा आपका चार क्वेश्चन पूछा था ना, वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका आइटम्स, ये हेडिंग में क्या आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो नॉन करेंट एसेट्स है, और हेडिंग में क्या जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने बताया था जो नॉन करेंट एसेट्स आता है ना वो क्या रहता है, फिक्स में रहता है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब हेड इसका क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये भी आता है आपका नॉन करेंट एसेट्स, इसका हेडिंग में आता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा, इसका सब हेड, है ना, इसका सब हेड जो होगा वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम रिसीव इन एडवांस, ये करंट लायबिलिटीज है, इनकम रिसीव कर लिए एडवांस में, ये करंट लायबिलिटीज है, इसका जो सब हेड है वो अदर करंट लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है कैपिटल एडवांसेस, ये नॉन करंट एसेट्स है हेडिंग में, और इसका सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंडर विच मेजर अब यहाँ पे देखिए आइटम्स हेड, है ना, तो आइटम्स और हेड और सब हेड, मैं यही बता रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन एक आ गया आपका, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट विल बी द फॉलोइंग बी इन साउंड, कहाँ पे शो किया जाएगा। फर्स्ट में है आपका इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स का हेडिंग क्या होगा और सब हेडिंग क्या होगा। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, उसका हेडिंग और सब हेडिंग बताना आपको। इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स, इसका सब हेडिंग बताना और हेडिंग बताना है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसका भी सब हेडिंग और हेडिंग बताना। तो यहाँ पे देखिए डेफर्ड टैक्स है ना, उसके बाद है आपका
स्टोर एंड स्पेयर्स एंड लूज एंड टूल्स, है ना, ये सिक्स आइटम का हेड और सब हेड आपको बताना है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर द फॉलोइंग मेन हेड एंड सब हेड ऑफ द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट और द ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स क्लासिफाइड और शोन एज गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये छः क्वेश्चन आपसे पूछा था, इनटेंजिबल एसेट्स का हेडिंग बताना आपको, मैंने बता दिया यहाँ पे, नॉन करेंट एसेट्स, इसका सब हेडिंग बताना है तो ये फीड एसेट्स, सब हेडिंग क्या होगा, फीड एसेट्स होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? देखिए यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स का जो है हेडिंग वो क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स, और सब हेडिंग में आएगा आपका फीड एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये आएगा नॉन करेंट एसेट्स, और ये सब हेड में फीड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स, तो ये नॉन करेंट लायबिलिटीज आ गया, है ना, यदि मोर देन 12 मंथ्स ना होता तो क्या आता, करेंट लायबिलिटीज आता, करेंट एसेट्स आता, तो ये नॉन करेंट एसेट्स आया। और इसका सब हेड रहेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, है ना, इसका जो सब हेड रहेगा वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट ये हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, तो ये नॉन करेंट एसेट्स है और ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट के इसका सब हेडिंग है, क्लियर है। स्टोर एंड स्पेयर्स ये करेंट एसेट्स में आएगा, और ये इन्वेंट्रीज के अंदर इसका सब हेडिंग क्या, इन्वेंट्रीज। और देखिए लूज टूल्स ये करेंट एसेट्स के हेडिंग में आएगा, और सब हेडिंग क्या इसका, इन्वेंट्रीज, क्लियर है ना, तो हेडिंग और सब हेडिंग क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड और शोन ऑन द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट में आपका लूज एंड टूल्स, है ना, लूज टूल्स यहाँ पर फर्स्ट में है आपका, सेकंड में बिल्स रिसीवेबल, थर्ड में सन्ड्री डेटर्स, और फोर्थ में एडवांस रिकवरेबल इन कैश। ये जो है आपका चार आइटम है ना, वो चार आइटम किस हेड्स में आएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इस हेड्स का क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन से हेड्स में आएंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंडर द फॉलोइंग आइटम हेडिंग हेड्स ऑफ द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट फॉलोइंग आइटम्स क्लासिफाइड आर शोन एज बिलो गिवन बिलोज। तो यहाँ पे देखिए आइटम जो है ना, ये टूल्स लूज टूल्स किस में आएगा, तो करंट एसेट्स में आएगा, मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन भी बताया आपको तुरंत। और बिल्स रिसीवेबल किस में आएगा, तो करंट एसेट्स में आता है। और सन्ड्री डेटर्स ये भी करंट एसेट्स में आता है आपका। और एडवांस रिकवरेबल इन कैश ये करंट एसेट्स। तो ये सारे आइटम्स का जो आपका हेडिंग था वो करंट एसेट्स था। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जो कि इसका बेसिक से आप लोग समझेंगे तो हेडिंग और सब हेडिंग से जो क्वेश्चन आता है आपका कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म। क्योंकि मैंने जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैंने इसी चैप्टर में इसी वीडियो में मैंने लिया है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है अंडर विच हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड, है ना, ये आपको बताना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया सन्ड्री डेटर्स, इसका हेडिंग क्या होगा और इसका सब हेडिंग क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, जो कि छः क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आइटम्स और हेड और सब हेड, है ना, आइटम्स हो गया जो कि हेड किस में आएगा और सब हेड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स करेंट एसेट्स में आएगा और इसका सब हेड्स रहेगा ट्रेड रिसीवेबल, है ना, इसका सब हेड जो रहेगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट देखिए पेटेंट एंड ट्रेड मार्क्स ये नॉन करेंट एसेट्स में आएगा और इसका सब हेड रहेगा क्या आपका इंटेंजिबल एसेट्स, है ना, इंटेंजिबल एसेट्स। यदि गुडविल रहेगा तो कहाँ पे, यहाँ पर गुडविल का भी आएगा आपका नॉन करेंट एसेट्स हेडिंग में और सब हेड में इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट रहेगा उसका भी हेडिंग में आएगा नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड में आएगा इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए मैंने एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बता दिया आपको,
शेयर्स इन क्वेश्चन है ना कंपनीज देखिए यहाँ पे, तो ये नॉन करंट एसेट्स और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में आएगा और ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल जो आता है आपका बिल्स रिसीवेबल वो आपका करंट एसेट्स के हेडिंग में आएगा और सब हेडिंग क्या रहेगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और उसी तरह से सन्डे डेटर्स जो है आपका वो आएगा आपका क्या, तो सन्डे डेटर्स भी आपका आता है करंट एसेट्स में और इसका सब हेडिंग में क्या रहता है तो ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है ना। अब देखिए एडवांस रिकवरेबल इन कैश है ना, ये क्या करंट एसेट्स में और इसका जो सब हेड है वो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आएगा करंट एसेट्स इसका हेडिंग हेड में और इसका सब हेड अदर करंट एसेट्स है। क्लियर है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया क्या आपको हेड और सब हेड, हेड और सब हेड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, और अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अंडर विच ऑफ द मेजर हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे देखिए क्या अमोर्टाइज्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है आपका 10% डिवेंचर, थर्ड आपका देखिए 10% डिवेंचर सेकंड में है, थर्ड में स्टॉक इन ट्रेड, फोर कैश एट बैंक, फाइव बिल्स रिसीवेबल, सिक्स गुडविल, सेवन टूल्स एंड टूल्स, एट ट्रक, नाइन प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टेंथ सन्डे क्रेडिटर्स। इसका हेड और सब हेड आपको बताना है। क्लियर है, इसका हेड और सब हेड बताना है आपको। देखिए ये आपका है आपका आइटम और हेड्स है ना और सब हेड। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था उसमें क्या था, अमोर्टाइज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये इसका हेड आएगा नॉन करेंट एसेट्स है ना, आफ्टर 12 मंथ्स बोल रहा है ना यहाँ पे, तो ये नॉन करेंट एसेट्स आता है। यदि बिफोर आता है इसका 12 मंथ्स तो करेंट एसेट्स हो जाता। सब हेड में क्या आएगा, अदर करेंट एसेट्स है ना, अदर करेंट एसेट्स में आ जाता है ये। सेकेंड क्वेश्चन है 10% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर मैंने आपको बताया था डिवेंचर का जो सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है और इसका हेड जो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। तो यहाँ पर देखिए सर टीचर जॉब के एग्जाम फॉर्म कब निकलेगा, निकलेगा निकलेगा बस देखिए अब यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अभी फिलहाल में पेपर में तो दे दिया है, इस पेपर आप लोग देखते होंगे, आपको पता है टीचर का जो वैकेंसी आएगा आपका झारखंड TGT PGT है ना, सभी वैकेंसी आएगा हाई स्कूल लेकर के आएगा, तो उसी का तैयारी यहाँ पर चल रहा है अकाउंट सेक्शन का, जो कि TGT PGT जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है ना यहाँ पे झारखंड PGT TGT कॉमर्स अकाउंटिंग, तो उसी का अकाउंटिंग से जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग BST इकोनॉमिक्स है ना, तीन पेपर आपको पढ़ना है, ये तीन सब्जेक्ट जो पढ़ना है, पेपर नंबर 2 में होगा इसका एग्ज़ाम। तो मैंने तीनों का यहाँ पर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, क्योंकि तीनों का जो टॉपिक है लाइव क्लास के द्वारा लिया जा रहा है, वो भी गणेश सर के द्वारा अकाउंटिंग और हमारे विवेक सर के द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है BST इकोनॉमिक्स का क्लास है ना। तो आप लोग इस क्लास का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा क्लास आपको मिलेगा हमारा यूट्यूब चैनल पर और कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेंगे कहीं भी सर्च करके, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको गुरुजी कॉमर्स देगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक सारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक मैं करवा करके ही अपना यूट्यूब आपका यूट्यूब में छोड़ा है, इसलिए आप लोग देखेंगे इसे और घर बैठे अपना पेपर का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर बोल रहे सर मेरा हिंदी ऑनर्स का है तो किस क्या पढ़ेंगे, हाँ चलिए ये हिंदी ऑनर्स से है तो क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी पढ़ेंगे है ना, पेपर 1 जो है आपको तो पढ़ना है, पेपर 1 में क्या है हिंदी पढ़ना होता है, ठीक है, तो हिंदी पढ़ना होता है, वो मैं हिंदी भी यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा हिंदी है, झारखंड का GK क्वेश्चन है वो भी मैं बता रहा हूँ, आप उसका भी वीडियो देखेंगे है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैथ में आपको पढ़ना होगा, ये जनरल मैथमेटिक्स सामान्य अंक गणित पढ़ना होगा आपको,
वो भी हमारा वीडियो में है, ऑलरेडी यहाँ पर है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग का भी करना है, ये भी आपको मिलेगा हमारे चैनल में ही। तो हिंदी ऑनर्स के लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी ऑनर्स के हैं तो आप सोच लीजिए कि श्योर शॉट आपका, श्योर सक्सेस आपका है लिखा हुआ, क्योंकि हिंदी में भी आता है वैकेंसी, और आपका जो लैंग्वेज पेपर है ना, इसलिए लैंग्वेज पेपर में वैकेंसी आती है, और बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा आपको। बस ध्यान दें, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें। पेपर वन जो कॉमर्स का है, साइंस का है, सभी के लिए पेपर वन कॉमन है, सभी का एक ही है ना। पेपर टू में आपका हिंदी से है तो हिंदी से ही पूछेगा क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पर पेपर टू यदि कॉमर्स का है तो कॉमर्स से ही पूछेगा, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस जो है उसके लिए फिजिक्स हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो गया जो लेंगे, है ना। उसी तरह हिंदी का भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर फुल जानकारी मिलेगी, इसलिए आपको जाना कहीं नहीं है, बस कुछ कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। और आप लोग कमेंट करेंगे, हिंदी का भी मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा, हिंदी का भी क्लास लूँगा, अल्टरनेटिव क्लास रखूँगा, एक दिन अकाउंट्स और एक दिन हिंदी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिल पाए पढ़ने का। और मैं जीके, झारखंड जीके का भी वीडियो लाऊँगा आप लोगों के सामने, ताकि झारखंड से भी क्वेश्चन जो आते हैं उसका भी आप आंसर कर सकें, ठीक है। यहाँ फिर देखिए, मैं आपका कमेंट का जवाब दिया हूँ, और किन्हीं को कोई डाउट है कमेंट करके बताएं, मैं कमेंट का जवाब तुरंत दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फेक्शन दूं, क्लियर है ना। तो फर्स्ट में यहाँ पर मैंने बताया आपको, सेकंड भी बता दिया, अब थर्ड में क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, ये करंट एसेट्स में आता है, और ये इन्वेंट्रीज का सब हेड्स है। केस हेड बैंक, ये करंट एसेट्स इसका हेड है, और इसका सब हेड्स क्या है, केस। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, इसका करंट एसेट्स है हेड्स, और इसका सब हेड्स है ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है। और गुडविल, ये नॉन करंट एसेट्स में आता है, है ना। चलिए ये कमेंट करते हैं, थैंक यू सर, तो मोस्ट वेलकम आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और यहाँ पे देखिए, लूज टूल्स आता है करंट एसेट्स में, और एक इसका सब हेडिंग जो है आपका, क्या है सब हेडिंग आपका, है ये इन्वेंट्रीज, क्लियर है ना, इन्वेंट्रीज आपका सब हेडिंग है। उसके बाद देखिए ट्रक, है ना, ट्रक क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ट्रक जो आप देख रहे हैं ना, जो गाड़ी ट्रक है, है ना, तो ये नॉन करंट एसेट्स है, और ये फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, जो कि टेंजिबल एसेट, टेंजिबल के अंदर आएगा, ठीक है, इसका सब हेड। और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट लायबिलिटीज में आएगा, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसका सब हेड होगा। सब हेड क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये क्लियर है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सरेंडर क्रेडिटर्स, जो कि करंट लायबिलिटीज में आएगा, सब हेड इसका क्या, ट्रेड पेबल, क्लियर है। इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और नोट्स तैयार कर लीजिए, है ना, नोट्स तैयार करेंगे आप लोग अपना अपना, ताकि आप रिवीजन कर सके। और वीडियो तो आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा गुरुजी कॉमर्स का यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब से वीडियो हटाता नहीं हूँ, आप लोगों का सेवा के लिए मैं वीडियो वहीं पे छोड़ देता हूँ, ताकि आप लोग देखेंगे, है ना, तो और अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया है, इसमें से अभी तक आपने इतना क्वेश्चन किया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया होगा। अब आप लोग भी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंडर विच हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे देखिए, कौन से फॉलोइंग आइटम बैलेंस शीट के मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में किस हेडिंग और सब हेडिंग में रखा जाएगा, ये आपको बताना है, जैसे बैंक बैलेंस, ठीक है, तो बैंक बैलेंस को कहाँ पे रखा जाएगा, ये करेंट एसेट्स पे रखा जाएगा ना, इसका सब हेडिंग केस होगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या होगा, ये हेडिंग इसका हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स, और ये आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सब हेडिंग, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा इसका, तो करंट लायबिलिटीज है, और ये अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा इस सब हेड में, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा, ऑथराइज कैपिटल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, शेयर ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, जनरल रिजर्व और सब्सिडी रिजर्व, ठीक है, तो ये सब का हेड और सब हेड आपको बताना है। टोटल मिला के 9 आइटम दिया हुआ है, जो कि 9 आइटम का हेड और सब हेड आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है, ये एक आइटम का हेड और सब हेड है, आप इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ताकि आप नोट्स बना के रखें, आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, बैंक बैलेंस क्वेश्चन में आपका पूछा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बैंक बैलेंस किस हेड में आएगा, ऑप्शन रहेगा वहाँ पर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स,
करंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स, तो आप आंसर क्या करेंगे, करंट एसेट्स। क्लियर है ना, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स के हेड्स में आता है और सब हेड इसका क्या है तो कैश है। आप दोनों चीज़ यहाँ पर सीखेंगे, बैंक बैलेंस का जो हेड्स है करंट एसेट्स और सब हेड्स क्या है कैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा और ये सब हेड में क्या आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, जो सैलरी आपने अभी तक पेड नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो ये आएगा आपका करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन प्रीपेड सैलरी रहेगा तो क्या करंट एसेट्स में आ जाएगा और यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा इसका सब हेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसका हेड्स क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। ओके, सब हेड क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, ऑथोराइज कैपिटल इसका हेड्स क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स, और इसका सब हेड्स क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। उसके बाद बिल्स पेबुल इसका हेड्स आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, है ना, बिल्स पेबुल किस हेड्स में आता है, करंट लायबिलिटीज में, इसका सब हेड्स क्या है तो ट्रेड पेबुल है ना, ट्रेड पेबल। आगे देखिए अनकलेम डिविडेंड्स इसका हेड आएगा करंट लायबिलिटीज और इसका सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद देखिए शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, तो ये शेयर होल्डर फंड आएगा इसका सब हेडिंग और सब हेडिंग में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है ना, उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड्स में आएगा हेडिंग में और सब हेड इसका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सैंडरी रिजर्व है ना, सब्सिडी रिजर्व, तो ये आएगा शेयर होल्डर फंड्स इसका हेडिंग और सब हेड आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हेड और सब हेड, है ना, हेड और सब हेड मतलब आइटम का हेड और सब हेड के बारे में बताया है कि इस आइटम का हेड और सब हेड क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपका, देखिए इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना हेड और सब हेड का, तो मैं बता दूं आपका हेड और सब हेड से यदि क्वेश्चन आया आपका आइटम का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपका हेड और सब हेड ये टॉपिक आए कभी भी तो आप इसका एग्जाम में छोड़े नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंडर विच हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे देखिए इस ये कॉल सिनेरर है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, डेवेंचर है, स्टोर एंड स्पेयर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फॉर फ्यूचर शेयर्स अकाउंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनकलेम अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन पार्टली है ना, ऑन पार्टली पैड शेयर। तो यहाँ पे ये सब आइटम आपको दिख रहे हैं ना, इस आइटम को यहाँ पे इसका क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे देखिए आइटम आपका जैसे बैंक बैलेंस करंट एसेट्स में आ जाएगा, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स में आएगा और सब हेड कैश में आएगा, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, ये तो अभी मैंने आपको बताया तुरंत, है ना, ये अभी तुरंत बताया था आपको, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, अंडर विच हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आर शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में इस किस हेड में रखा जाएगा, जैसे डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट है, ऑफिस फर्नीचर, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरेस्ट इन्वेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैचर, और लाइव स्टॉक। ये जो है आइटम्स, ये इसका हेड और सब हेड बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और हेड और ये सब हेड आपका जो सारे क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पे। फर्स्ट में पब्लिक डिपॉजिट ये आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, पब्लिक डिपॉजिट जो है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज आता है। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज इज द राइट आंसर है पब्लिक डिपॉजिट का। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, और सब हेड इसका क्या है तो सब हेड्स में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर, ऑफिस फर्नीचर ये नॉन करेंट एसेट्स में आएगा और ये फिक्स्ड एसेट्स इसका सब हेड है जो कि टेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रीपेड रेंट ये आपका करंट एसेट्स में आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट रहता तो क्या आता करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, और ये सब हेड आएगा अदर करंट एसेट्स, और आउटस्टैंडिंग रहता तो अदर करंट लायबिलिटीज होता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है तो करंट लायबिलिटीज, और यदि प्रीपेड सैलरी रहता तो करंट एसेट्स हो जाता। ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो करंट लायबिलिटीज हेडिंग में आएगा, हेड में, और सब हेड में रहेगा अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये नॉन करंट एसेट्स है जो कि हेड में, और सब हेड इसका फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ये करंट एसेट्स इसका हेड में आएगा, और इसका सब हेड अदर करंट एसेट्स।
बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैचर, ये नॉट टू अकाउंट्स में आएगा, नॉट टू अकाउंट्स, और ये सब ऐड होगा कंटिजेंट लायबिलिटीज, है ना। उसके बाद देखिए लाइव स्टॉक, ये नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, और ये सब ऐड इसका रहेगा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, क्लियर है ना, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने 20 तक करवाया आप लोगों को, नेम द मेजर हेड्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये रहा लूज टूल्स का हेडिंग क्या होगा, ये आपको बताना है, चार क्वेश्चन। लूज टूल्स अभी मैंने बताया था ना आपको, अनपेड डिविडेंड और कॉपीराइट एंड पेटेंट्स और लैंड एंड बिल्डिंग, इसका हेड आपको ओनली हेडिंग बताना है कि ये किस हेड का आइटम्स है। तो यहाँ पे देखिए ये आइटम लिखेंगे, चार क्वेश्चन जो पूछा था आपसे, इसका हेड, तो आइटम में आपका आएगा लूज टूल्स और हेड में आएगा करेंट एसेट्स। लूज टूल्स जो आता है करेंट एसेट्स, अब इसका सब हेड्स पूछता आपको, तो क्या बताते बताइए, इसका सब हेड्स क्या होता, तो इस इन्वेंट्रीज होता है ना। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड जो है ये किस हेड में आएगा, करंट लायबिलिटीज में। कॉपीराइट एंड पेटेंट्स ये आएगा करंट एसेट्स में, ओके, और लैंड एंड बिल्डिंग ये आएगा नॉन करंट एसेट्स में। कॉपीराइट एंड पेटेंट्स नॉन करंट एसेट्स और लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स, है ना, समझ में आई। और यदि आप लिखते इसका सब हेड, तो कॉपीराइट एंड पेटेंट्स में आएगा फिक्स्ड एसेट्स जो कि इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा, और नॉन लैंड एंड बिल्डिंग आएगा आपका सब हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स जो कि टेंजिबल एसेट्स, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पे सभी का बताना है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको इसमें हेड बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हेड क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का किस हेड के अंतर्गत आएगा, लोन पेबल ऑन डिमांड ये किस हेड के अंतर्गत आएगा, कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट ये किस हेड के अंतर्गत आएगा, और गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, है ना, सारे का आइटम्स का आपको निकालना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, है ना। ये आइटम देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसका हेड देखिए करंट लायबिलिटीज, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, किस हेड में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा, और लोन पेबल ऑन डिमांड्स ये करंट लायबिलिटीज में आएगा हेडिंग में, कंप्यूटर एंड रिलेट इक्विपमेंट ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा, क्लियर है ना। चलिए सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट आ जाए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अंडर द फॉलोइंग which heads and sub heads of the following है ना are shown in a balance sheet, company's balance sheet, यहाँ देखिए provision for employee benefit और calls in advance, यहाँ पे head और sub head बताना है। तो ये देखिए head और sub head, ये रहा आपका head और sub head। first में क्या, provision for employee benefit, ये आपका head है, जैसे कि heads non current liabilities, और sub head में क्या आएगा long term provision, ठीक है, और calls in arrear, सॉरी कॉल्स इन एडवांस जो है आपका करंट लायबिलिटीज है, और यहाँ पर देखिए अदर करंट लायबिलिटीज का सब हेड आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे देखिए इतना टॉपिक करने के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो मेरा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, उसका आंसर देंगे, उसका मार्क्स गेन करेंगे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, यदि आपको पता है तो, नहीं पता है तो फिर बहुत टफ है ना। जिस चीज़ की जानकारी हो जाती है ना वो बहुत आसान हमारे लाइफ में हो जाता है, और जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है ना वो टफ ही रहता है। इसलिए आप जानकारी प्राप्त कर ले, ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, आपका अधिकार का चीज़ है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑन वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए जो टॉपिक है अभी हम लोगों का है, आपको पता होगा ना, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग जानते हैं, जैसे कि ये TGT PGT है ना, और कॉमर्स का जो वैकेंसी अभी आई है JSSC के लिए जो कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर है ना, और सीनियर ऑडिटर है, ये सारे पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है, आप लोग कॉमर्स से हैं तो आप ज़रूर भरेंगे वो फॉर्म। और यहाँ पे देखिए PGT TGT है ना, PGT TGT हाई स्कूल और UGC NET है ना, UGC NET के लिए आपका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चैप्टर आपको पढ़ना है, आप सिलेबस में देख लेंगे ना, क्लियर है। तो अब हम लोग कॉमर्स गुरुजी में क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को पता है ना, अभी तक आप देखिए कॉमर्स गुरुजी जो है आपका बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है,
जो कि आप क्लास 10 से यहाँ पे वीडियो मिलेगा आपको, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, CS, CMS और CS, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल क्रॉस कोर्स, और देखें यहाँ पे MBA, BBA, और फिलहाल में तैयारी जो चल रहा है टीचर TGT, PGT के लिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने है, मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। इससे पहले दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा, आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, है ना। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुश्किल है, ये मानते हैं कि आज मुश्किल है ना, कल थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा, है ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। समझ में आई है? देखिए यहाँ पे जिंदगी बस आप लोग लगे रहेंगे हमारे, चलो गुरु जी कॉमर्स में बने रहेंगे, जाना कहीं नहीं है क्योंकि क्लास अभी बाकी है। देखिए दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, है ना, दुनिया का सबसे अच्छा गहना क्या है, तो परिश्रम है, और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। समझ में आ रही है ना, दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और परिश्रम करते रहें, आप आगे जरूर बढ़ जाएंगे। चलिए यहाँ पे ये रहा आपका टॉपिक, आइटम्स और हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग में आइटम्स में क्या आएगा, सरप्लस, क्वेश्चन में पूछा था, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये किस हेड में आता है, तो शेयर होल्डर फंड्स में, ये शेयर होल्डर फंड्स में आता है। हाँ जी ये कमेंट करते हैं, आज शायरी हो जाए, कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपको पता है ना, इसलिए और बिना कोशिश किए जय जयकार भी नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। समझ में आया, दो चीज़ में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगा, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, इसलिए कोशिश आखिरी सांस तक होनी चाहिए। एक देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ। देखेंगे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि, है ना, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए, अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। समझ में आ रही है बात को? तो चलिए ये कमेंट कर रहे हैं, वाह क्या बता है ना, क्या बात है, ये कमेंट करते हैं। चलिए थैंक यू, आपको मेरा बात अच्छा लगा तो। यहाँ पे देखिए तीन चार टॉपिक है ना, चार आइटम है, इसका हेड के बारे में बताना है भाई यहाँ पे। तो देखिए इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, ये किस हेड में आएगा, तो करंट लायबिलिटीज में आएगा, और सब हेड इसका क्या आएगा, अदर करेंट लायबिलिटीज आएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, ये नॉन करेंट एसेट्स में आएगा,
और इसका सब हेड फ्री एसेट्स में आएगा, ओके, और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ये अदर करंट एसेट्स में आएगा, इसका सब हेड क्या आएगा, अदर करंट एसेट्स में आएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। तो आज के लिए यहीं पे काफ़ी, यहीं पे मैं क्लास को ऑफ करता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा क्लास चला है, और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस समय दें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। समझ में आ रही है बात को? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।